जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, देश के आईटीबीपी जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने, भारत चीन सीमा से निकलकर आ रहे हैं। भारत चीन सीमा पर तैनात झारखंड का लाल प्रकाश गुप्त 44 वर्षीय ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना जैसे ही अधिकारियों ने इनके परिजनों को दिए तो पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार परिजनों को रो रो का हालत और भी बेहोशी बन चुका है। बताया जा रहा है कि झारखंड के रांची के प्रखंड के कुदी बगधरा पत्रा निवासी आईटीबीपी का जवान प्रकाश गुप्त 44 वर्षीय ड्यूटी के दौरान सिक्किम में शहीद हो गए हैं। जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने बताया कि प्रकाश सिक्किम में भारत चीन सीमा पर इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित था। ड्यूटी के दौरान पहाड़ चढ़ने के क्रम में ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पिछले दिनों भारत चीन सीमा के विवाद के लेकर आयोजित अधिकारियों के बैठक में प्रकाश गुप्त शामिल था। रमधानी गोप का पुत्र प्रकाश गुप्त 7 भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। पत्नी अर्मिता देवी के अलावा एक पुत्र तनिष्का गुप्त 7 वर्षीय और वही एक पुत्री त्रिशु कुमारी 4 वर्षीय है। शहीद जवान प्रकाश गोप बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए भारत चीन सीमा पर सिक्किम बॉर्डर पर शहीद हो गए। शहादत से पूरे क्षेत्र इलाके में गमगीन का माहौल बन चुका था। आज शहीद जवान की आईटीबीपी के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक निवास स्थान पर लाया जाएगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाकई में दोस्तों, अगर शहीद जवान आईटीबीपी प्रकाश गोप के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान प्रकाश गोप का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन की शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जन सैलाब उमड़े और सभी नम आंखों से विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि लेकर लोग अंतिम विदाई दें।